हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आज हम जो अब जो हमारा सिलेबस का जो लास्ट पार्ट बचा हुआ था, GS4 की तैयारी कैसे करें, कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करें, कौन से टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है और कौन से टॉपिक्स को हम छोड़ सकते हैं। तो देखो, GS4 के ऊपर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो लास्ट का हमने RS 2016 और 2018 का RS का एग्ज़ाम देखा है, उसमें सबसे ज़्यादा जो स्कोर हुआ है वो GS4 के अंदर हुआ है। तो GS4 के अंदर आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस के साथ आपको लगातार तैयारी करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होगा कि आप लास्ट के 2 महीने में यदि हिंदी इंग्लिश पढ़ना चाहोगे तो इम्प्रूव हो जाएगी। आप ना अभी से जो 3-4 महीने हैं डेली थोड़ा थोड़ा टाइम आप इसको दीजिए। अब दूसरी बात होती है कि आपकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको GS4 की कितनी तैयारी करनी है। अब सपोज कीजिए ये 50 नंबर की ग्रामर है, आज आप पेपर देखिए यदि 45 नंबर इसमें लेके आ सकते हैं तो आपको फिर इसकी एग्ज़ाम की उतनी तैयारी नहीं है जितना दूसरा। अब जैसे मार्केट के अंदर हाइप चल रही है कि केवल GS4 तैयार करो, लेकिन आप ऑलरेडी उस चीज़ में हो, अब आप इसको कितना भी तैयार कर लो आप 2-3 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ा पाओगे, तो आपको वैसी मेहनत नहीं करनी है। और जैसे किसी कोई इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, वो 20 में से है ना जो ग्रामर वाला पार्ट है और उसमें ट्रांसलेशन को मिला के 30 है, 30 में से 28 नंबर लेके आ रहा है या 25 नंबर भी लेके आ रहा है, तो कितनी भी इंग्लिश पढ़ ले उसके बाद ना मतलब एक लिमिट होती है, उस फ्रिक्वेंसी और उस थ्रेशोल्ड के बाद नंबर बढ़ते नहीं है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आप उस थ्रेशोल्ड से कितना नीचे हैं। यदि आप ऐसा हो कि आपको ना हिंदी में 50 में से 20 नंबर ही आ रहे हैं आपके इसमें ग्रामर वाले पोर्शन में, तब तो आपको हिंदी को बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन ऑलरेडी आप 45-46 स्कोर कर रहे हैं तब आपको उतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने हिंदी के 20 पेपर लगा लिए तो मैं भी 20 पेपर लगा लेता हूँ, किसी ने 5 पेपर लगाए तो मैं नहीं लगाता हूँ। आप अपने हिसाब से देखिए कि आप ना आज पेपर करते इस 50 में से कितना कर पाते और आपको कितना की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप बुक्स देखते हैं। बुक्स देखो, इसमें 3 मेन बुक हैं जिनको फॉलो करना है आपको, ठीक है। उस बुक में सबसे पहले राघव प्रकाश बुक है जिसको फॉलो करना है, फिर जो राजस्थान बोर्ड की जो बुक आती है वो फॉलो करनी है ग्रामर की, एक न्यू आती है और एक ओल्ड आती है, और दोनों को इसमें क्या करना है हमें फॉलो करना है। इनमें से किसी एक बुक को ना इग्नोर नहीं कर सकते, न्यू और ओल्ड में से ही दोनों में आते हैं, तो इन दोनों बुक्स को भी पूरा पढ़ना है। और राघव प्रकाश बुक तो आपकी फाउंडेशन होनी चाहिए, उसको बार बार रखना है, ठीक है। इसके अलावा मैंने ना 2 बुक और फॉलो की थी, एक थी जो हमारे कौन से पब्लिकेशन में नाम भूल रहा हूँ, उस पब्लिकेशन का नाम था पनोरमा की बुक थी, तो पनोरमा की जो बुक थी ना उससे मैंने केवल उपसर्ग और प्रत्यय वाला चैप्टर किया था, और उपसर्ग और प्रत्यय वाले चैप्टर में क्या था कि उसमें टेबल फॉर्मेट में दिया हुआ था, तो वो मुझे अच्छा लगा तो मैंने केवल एक ही चैप्टर वहाँ से किया था। तो यदि आप उसमें फॉलो करना चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं। और एक ना इंदिरा अशोक की बुक आती है, तो इंदिरा अशोक की बुक में मुझे बाकी चैप्टर्स तो इतने अच्छे नहीं लगे, मैं राघव प्रकाश को ही ज़्यादा पढ़ता था, लेकिन जो विलोम शब्द वाला चैप्टर है वो मैं इंदिरा अशोक से कवर करता था। तो पनोरमा की बुक से केवल एक चैप्टर जो प्रत्यय और उपसर्ग है, और दूसरा ना इंदिरा अशोक की बुक से भी एक चैप्टर जो विलोम शब्द वाला है। और इनके अलावा आप ना इन 3 बुक्स को क्या करना है, आपको लगातार ना पढ़ते रहना है। बाकी जो भी आप सीखोगे ग्रामर के अंदर उसको लगातार प्रैक्टिस करने से ही, लगातार रिवाइज करने से ही आपको बहुत अच्छे से याद होंगे, इसलिए आपको क्या करना है लगातार इसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बाकी इसमें जो डायरेक्ट शब्द दिए हुए हैं जैसे विलोम शब्द और पर्यायवाची वगैरह हैं, तो इसमें ना अनलिमिटेड होते हैं, मतलब कि कितने भी पर्यायवाची आप याद कर लो, 400-500, लेकिन उससे क्या हो जाएगा, लेकिन पर्यायवाची पूछ तो दो ही रहे हैं, तो आप किसी भी शब्द पे 2 पर्यायवाची तो आप वैसे भी बता सकते हो। तो आप देख लीजिए कि कौन से के ऊपर आपको कितना टाइम देना है। प्रशासनिक शब्दावली भी है ना अनलिमिटेड है कि आप कितना भी पढ़ सकते हो उसमें, तो लेकिन आपको क्या करना है केवल जो राघव प्रकाश बुक में दिए हुए हैं वो पढ़ना है, और उसके अलावा जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 10-20 सालों में जो RS के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको करना है। उनके बाद इनका कोई लिमिट नहीं है जिसको आप कर सकते हो। वाक्यांश के लिए जो सार्थक शब्द हैं इनको आप बहुत अच्छे से करना, वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि इन दोनों के ऊपर भी फोकस करना। क्यों? क्योंकि वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि में यदि आपकी कमांड हो जाती है तो आपका जो राइटिंग पोर्शन है वहाँ पे भी अच्छा होगा, और यहाँ पे यदि गलती होती है तो एग्जामिनर का एक नेगेटिव माइंडसेट तैयार हो जाता है कि बच्चे को हिंदी का नॉलेज अच्छा नहीं है। और वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है वो इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि जो हमारा पेपर आता है जिसमें हमें मतलब संक्षिप्तीकरण वगैरह करना होता है, वहाँ पे ये शब्द है ना हमारे एक एक सेंटेंस को एक एक शब्दों में कन्वर्ट करके हम इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला जो पार्ट आता है उसमें आता है कि ये जो संक्षिप्तीकरण और पलवन है
इनकी आप जो बेसिक गाइडलाइन है किसी टीचर्स के पास बैठिए और आप 15 मिनट में ना सारी बेसिक गाइडलाइंस होती हैं, 10-10 इनकी गाइडलाइन है, आप उन 10-10 गाइडलाइन को सीधा याद कर लीजिए कि ये गलतियां ना 10-10 नहीं करनी है, तो आप आराम से ना 60-70% मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं। फिर जो पत्र लेखन और प्रारूप लेखन ये जो है, इसके लिए आप क्या कीजिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, तो ना कि कोचिंग की बुकलेट्स में ना, आजकल हर कोचिंग की बुकलेट में ये क्या एकदम स्टैंडर्ड मटेरियल दिया हुआ है, तो इसमें जो 50% मार्क्स होते हैं ना वो इनके फॉर्मेट के ही होते हैं। तो 50% मार्क्स क्या है, फॉर्मेट के, जिसको आप घर से ही याद करके जा सकते हो। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो ये फॉर्मेट है इसको आपको घर से याद करके जाना है, बाकी जो इसके अंदर मसाला डालना है वो आप ना जब भी क्वेश्चन जब आपके सामने एग्जाम में आएगा उसके हिसाब से आप डाल सकते हो। बाकी निबंध वाला है, तो निबंध वाले के लिए आप क्या कीजिए कि जो मतलब कि निबंध के ऊपर है ना, मतलब कि एक दो मतलब निशान जैन सर ने भी एक दो यूट्यूब के ऊपर क्लासेस ले रखी हैं, तो आप उनको देख सकते हो, और एक दो मतलब कि आप है ना 3-4 अच्छे निबंध देखिए और उनमें से जो लाइनें हैं अच्छी अच्छी लाइनें उनको आप पिकअप कर लीजिए, ताकि आप जब भी निबंध लिखो तो आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो। बाकी निबंध वाला जो सेक्शन है, जब आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा तो आप निबंध तो बहुत अच्छे से लिख पाओगे, क्योंकि आपके पास नॉलेज काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आपका निबंध ऑलरेडी ना बहुआयामी हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, केवल एक फ्लो में लिखना है और अच्छी शैली का यूज़ करना है केवल। उसके बाद इंग्लिश में आते हैं, तो इंग्लिश में ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ये डाउट सुनने को मिला कि इंग्लिश की तैयारी हम कहाँ से करें। तो सबसे पहले हमने तैयारी कब छोड़ दी थी, 10th क्लास के बाद से ना इंग्लिश पढ़ना छोड़ दिया था। तो जो लोग बहुत ही ज़्यादा ना अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं इंग्लिश के बारे में, तो मैं उनको ये कहूँगा आप 10th क्लास की बुक जो गाइड आपने एक्सीलेंट की या फिर संजीव पासबुक की गाइड पढ़ते थे, आप वहाँ पे वापस जाइए, क्योंकि आपने वहीं पे पढ़ना छोड़ दिया था इंग्लिश को। तो वहाँ पे वापस जाइए और उस चीज़ की स्टडी कीजिए। आप यदि उन चीज़ की स्टडी कर लोगे तो आपको ये फिर वापस समझ में आ जाएंगे। और जो ऐसे लगता है जिनकी इंग्लिश ठीक है, बस थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो इसमें जो बीके रस्तोगी सर की जो बुक है वो काफ़ी अच्छी आपके हेल्पफुल रहेगी। तो बीके रस्तोगी बुक है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो ये इजी इजी टॉपिक्स है ना, उनको आप करने की कोशिश कीजिए। और ये जो एनोनिम सिनोनिम्स ये फ्रेजल वर्ब्स वगैरह जो ये बड़े बड़े हैं, इनको यदि आप ना भी कर सकें, देखो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए तो ये काफ़ी आसान है, तो उनको तो मैं कहता हूँ कि ये करना चाहिए। लेकिन जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हैं और जो इनको नहीं कर सकते ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 4-5-7 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, इनको आप छोड़ भी सकते हो। अब ये वापस से वही आ गया कि आपको ना पैसे सोल्व करना है। पैसे सोल्व करने के लिए आप 5-7 पैसे सोल्व कीजिए, उसमें जो आंसर्स वगैरह किस तरीके से निकालते हैं उनकी टिप्स एंड ट्रिक्स को आप प्रैक्टिस के साथ ही डेवलप कर पाएंगे। और जो ट्रांसलेशन वाला जो पार्ट है वो कहाँ से डेवलप होगा, जब आप ये सेंटेंस वाला जो टेंस एंड सेंटेंसेज आप हैं इनको जब जो 10th क्लास की जो हमारी संजीव पासबुक वगैरह है उनसे पढ़ोगे ना, कि जब है ना ता है ती है इस तरीके से आता है तो कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है, जा रही है तो कौन सा यूज़ हो रहा है, तो आप वहाँ से ये आराम से अच्छा कर सकते हो। प्रीसी राइटिंग के अंदर आपको एक बात बताऊँ तो, मैं जो संक्षिप्तीकरण हिंदी में करते हैं जो रूल 10-12 वहाँ लगते हैं, वही रूल यहाँ पे इंग्लिश में भी लगते हैं, कोई कुछ अलग नहीं होगा। अब सेम पैराग्राफ राइटिंग में तो एक निबंध जैसा लिखना है, तो उसमें 3 ऑप्शंस होते हैं, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, यदि आपको डर लगता है तो आप घर से ही ना 15-20 जो टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे वुमेन, इन्वायरमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, उनसे रिलेटेड कुछ कुछ जो लाइंस हैं उनको आप याद करके जा सकते हैं। क्योंकि एक ना एक टॉपिक तो टूरिज्म हो गया, एक ना एक टॉपिक तो इसके आसपास का फंसेगा, तो आपके पास सफिशियंट वोकैब वगैरह होगी। और अब ये इलेबरेशन वगैरह गिवन थीम वगैरह पे करना है, तो जैसा हमने पल्लवन में किया था सेम फिलोसफी बस इंग्लिश में लगेगी, आपको इंग्लिश में टेंस वगैरह लिखना है, तो जब यहाँ पर टेंस सही हो जाएगा तो यहाँ भी आप टेंस अच्छे से लिख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लेटर राइटिंग वगैरह में और रिपोर्ट राइटिंग में से मैं प्रीफर करूँगा कि आप लेटर राइटिंग लिखिए, क्योंकि लेटर राइटिंग में फॉर्मेट के ही 3-4 नंबर होते हैं। तो यदि आप ना एडिटोरियल मतलब जो एडिटर को कौन से लेटर लिखते हैं या किसी अथॉरिटी को कौन से लेटर लिखते हैं, यदि आप उनको लेटर्स को ना मतलब फॉर्मेट को भी रट लिया ना, तो आपका जो 40-50% मार्क्स है तो आप वहां से कवर कर सकते हैं। तो ये एक ब्रीफली ना हमने देखा कि कौन सा चैप्टर का पार्ट है ना, कौन से सिलेबस का पार्ट हमें कहाँ से करना है और कौन सी बुक्स को फॉलो करना है। तो आप इनको कीजिए और आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप कीजिए, ठीक है। तो आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।